Siksha Singh and I welcome you back in my YouTube videos. Guys, do you know what is the role of calcium in our body? Do you know what is the reason behind muscle cramps? हमारे स्टमक में अल्कर्स क्यों हो जाते हैं? एंड गाइस, आपने नोटिस किया है जो लोग माउंटेनियस रीजन पे रहते हैं उनके चीक्स बहुत पिंक होते हैं, बट दिस इज नॉट इन आर केस. हमारे चीक्स तो पिंक हो ही नहीं पाते. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? टुडे आई एम गोना टेल यू अ लॉट. सो द फर्स्ट थिंग इज, व्हाई डू द क्रीम्स हैव विटामिन सी इन देम? आपने देखा होगा जो ब्यूटी क्रीम्स होती है उनके पैक पर भी लिखा रहता है कि या इट कंटेन्स विटामिन सी. सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? वो उनमें विटामिन सी क्यों मिक्स करते हैं? सो द रीजन इज वेरी सिंपल माय डियर फ्रेंड्स. विटामिन सी हमारे स्किन में कोलेजन फाइबर को बनाता है और कोलेजन फाइबर हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है डैमेज होने से, ठीक है. और आपने देखा होगा जो लोग बूढ़े हो जाते हैं उनकी स्किन पे वो लाइंस फॉर्म होने लगती हैं. तो कोलेजन फाइबर बेसिकली करता क्या है, वो सब नहीं होने देता, ठीक है. हमारे स्किन पे जितना ज्यादा कोलेजन फाइबर होगा हमारी स्किन उतना फ्रेश लगेगी, ठीक है. उनमें लाइंस नहीं बनेगी और वो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है. और कोलेजन फाइबर किससे बनता है? विटामिन सी से. सो दिस इज द रीजन व्हाई द ब्यूटी क्रीम्स कंटेन विटामिन सी. सो द नेक्स्ट थिंग इज, व्हाई डू अल्कर्स अकर इन स्टमक? गाइस, हमारे पेट में भी छाले हो जाते हैं, तो इसके पीछे रीजन क्या है? टू अंडरस्टैंड दैट रीजन आई वांट टू मेक द डायग्राम फॉर यू. सो गाइस, फोकस ऑन द बोर्ड. आई एम नॉट दैट गुड एट मेकिंग द डायग्राम्स. सो इसमें तीन एंजाइम्स होते हैं, HCL, म्यूकस एंड पेप्सिन. व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दीज थिंग्स यू विल गेट टू नो वेरी सून. पेप्सिन, ओके, नाउ लिसन. हमारे स्टमक में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प जो करता है उसे बोलते हैं पेप्सिन. और पेप्सिन नीड्स HCL टू वर्क, ठीक है. पेप्सिन तभी वर्क करेगा जब वो एसिडिक मीडियम में होगा और एसिड है HCL. सो गाइस, हमारे स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ तो चाहिए ना, बिकॉज अगर हमारे स्टमक की जो यहाँ पे लाइन है अगर उस पे एसिड आएगा तो हमें अल्कर्स फॉर्म होते हैं, ठीक है. दैट्स व्हाई वी हैव दिस म्यूकस. नाउ लिसन, अगर किसी को अल्कर्स हो रहे हैं दैट मींस देयर इज सम प्रॉब्लम इन दिस म्यूकस, ठीक है. मींस म्यूकस में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, वो अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है. अब वो क्यों आ सकती है म्यूकस में प्रॉब्लम? बिकॉज ऑफ सम बैक्टीरिया, या तो फिर कोई बैक्टीरिया आ गया हमारे स्टमक में, और बिकॉज ऑफ द कॉन्टिन्यूस यूज ऑफ ड्रग्स. अगर हम ड्रग्स ले रहे हैं, ठीक है, कॉन्टिन्यूस, तो उससे क्या होता है, हमारा म्यूकस डैमेज हो जाता है, ठीक है. और अगर बैक्टीरिया अगर हमारे स्टमक में आ गया है, सो दिस इज ऑल्सो द रीजन बिहाइंड डैमेजिंग ऑफ म्यूकस. अगर हमारा म्यूकस डैमेज होगा तब हमारे स्टमक में अल्कर्स फॉर्म होने लगते हैं. नेक्स्ट थिंग इज, व्हाट कॉजेज मसल क्रैम? हमारे मसल्स में क्रैम्स हो जाते हैं. यार बहुत दर्द होता है जब वो क्रैम्स हो जाते हैं, है ना. तो यार वो होते क्यों है? वो आपने ऑब्जर्व किया होगा तभी होते हैं जब हम कॉन्स्टेंट बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, या तो हम बहुत तेज भागते हैं, बहुत ज्यादा भागते रहते हैं. सो दिस इज द रीजन व्हेन दीज मसल्स क्रैम्प्स. नाउ अब हमें देखना है कि मसल क्रैम्प्स होते कैसे हैं. हमें ये तो पता चल गया होते कब है, कब होते हैं, जब हम बहुत ज्यादा कॉन्स्टेंटली भाग रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं, बहुत ज्यादा हैवी वर्क कर रहे हैं, ठीक है. उस टाइम क्या होता है, आर बॉडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी. उस टाइम हमारी बॉडी को इतनी एनर्जी चाहिए होती है. और उस टाइम क्या होता है, एनर्जी हमें चाहिए, ठीक है. एक तो एनर्जी हमें कैसे मिलती है, जब हमारे सेल्स को ऑक्सीजन मिलेगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो फूड को बर्न करती है, ठीक है, तब हमें एनर्जी मिलती है. ओके, दिस इज अ थिंग दैट आई थिंक यू शुड नो और यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट दैट, ठीक है. हमारी बॉडी को
एनर्जी कब मिलती है, जब ऑक्सीजन हमारे फूड को बर्न करती है, ठीक है। अब उस टाइम क्या होता है, हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है और उतनी ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती है, तो उस कंडीशन में हमारे जो मसल्स की सेल्स होते हैं ना, वो पता है एनएरोबिकली भी रेस्पायर करने लगते हैं। मतलब हमारी बॉडी को इतनी ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, उतनी ऑक्सीजन उन्हें मिल नहीं पाती है, तो वो विदाउट ऑक्सीजन ही एनर्जी फॉर्म करने लगते हैं, ठीक है। और जब वो उस टाइम एनर्जी फॉर्म करते हैं ना, देन व्हाट हैपेंस एट दैट टाइम, लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। जब हमारे सेल्स विदाउट ऑक्सीजन रेस्पायर करते हैं तो फिर वो लैक्टिक एसिड को फॉर्म करते हैं, और जब ये लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है तब ये क्या होते हैं, हमें क्रैम्स होने लगते हैं, ठीक है। सो द रीजन इज वेरी सिंपल, आई नो अगर हमें मसल क्रैम्स हो रही है तो क्यों हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन और एक्यूमुलेशन ऑफ दीज लैक्टिक एसिड्स, ठीक है। एंड या देयर इज वन थिंग आई वांट टू टेल यू, और ये आई थिंक आपको पता भी होगा, जब मसल क्रैम्स हो जाते हैं तो अगर आप गर्म पानी में अपने पैरों को रखते हो तो उससे क्या होता है, हमारा सर्कुलेशन रेट बढ़ जाता है, उससे फिर हमारे मसल क्रैम्स हमें हमें फिर नॉर्मल फील होने लगता है, ठीक है। फिर हमारा पेन थोड़ा कम हो जाता है, हमें थोड़ा रिलीफ लगता है, या फिर हम थोड़ा उसको मसाज ले लें, ठीक है, वो सब लेने से ये मसल क्रैम्स हमारे ठीक हो जाते हैं। सो द नेक्स्ट थिंग इज व्हाई द चीक्स ऑफ पीपल इन हिमालय रीजन आर रेड। गाइस जो लोग हिमालय में रहते हैं उनके चीक्स इतने रेड रेड होते हैं, और हम लोगों के होते ही नहीं है। वी आर सो अनफॉर्चुनेट ना, वी आर सो अनलक्की ना, बट गाइस दिस इज नॉट द केस, हम भी लकी है, ठीक है। ऐसा नहीं है हमारे पिंक पिंक नहीं है तो हम अलग के नाम ले सकते। गाइस उनके पिंक पिंक ही होते हैं, आई एम गोना टेल यू सम गाइस, वहां पे ऑक्सीजन की अमाउंट कम होती है एज कम्पेयर टू आर प्लेन एरिया। हम लोग प्लेन एरिया में रहते हैं, यहाँ पे हमें ऑक्सीजन जितना चाहिए हमें वहां पे यहाँ पे आराम से मिल जाता है, बट स्टिल द फैक्ट इज वी पीपल आर कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ पॉल्यूशन। यार हम कर भी नहीं सकते, हम जिन्हें बोलते हो उन्हें मतलब पटाखे जलाने हैं, उन्हें पॉल्यूशन करना ही है, बहुत सारी चीजों से होता है, कोई मानते ही नहीं है, क्या करे। वी शुड डू समथिंग टू प्रोटेक्ट आर एनवायरमेंट। द टॉपिक अगेन, लिसन गाइस, वहां पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम होती है एज कम्पेयर टू आर प्लेन एरिया, ओके। देखो अब हमारी बॉडी बहुत अच्छी मशीन है यार, उसे जैसा भी मिलता है ना वो अडेप्ट करना स्टार्ट कर देती है, ओके। अब देखो वहां पे एक तो ऑक्सीजन की अमाउंट कम है, एक सेकंड मेरा मार्क वहां पे ऑक्सीजन की अमाउंट कम है, इसलिए हमारी बॉडी क्या करती है, आरबीसी ज्यादा बनाने लगती है। अब आरबीसी का क्या रोल है और ये कैसे रिलेटेड है, आई एम गोना टेल यू। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, और हीमोग्लोबिन हमारे ऑक्सीजन को कैरी करता है हमारी बॉडी में, ठीक है। और ऑक्सीजन हमें क्यों रिक्वायर है, एनर्जी बनाने के लिए। सो दिस इज द रीजन दैट व्हाई वी नीड ऑक्सीजन। अब देखो वहां पे ऑक्सीजन की कमी है, इसलिए हमारा बॉडी क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा आरबीसी बनाती है, ठीक है, ताकि हम अच्छे से आरबीसी को ले सके, ताकि हम अच्छे से ऑक्सीजन को ले सके, इसलिए ज्यादा से ज्यादा आरबीसी हमारी बॉडी में फॉर्म होने लगती है अगर हम हायर एल्टीट्यूड पे रहते हैं तो। अब देखो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आरबीसी फॉर्म होगी, आरबीसी में हीमोग्लोबिन है और हीमोग्लोबिन रेड कलर का पिगमेंट होता है। अब देखो हमारी बॉडी में ज्यादा हीमोग्लोबिन है, इसका मतलब बहुत रेड रेड है, इसलिए क्या होते हैं उनके जो चीक्स होते हैं ना वो थोड़े पिंकिश और रोजी कलर के हो जाते हैं, ठीक है, मीन्स उनके में बहुत ज्यादा आरबीसी होता है। क्यों होता है, बिकॉज हमारी बॉडी वो अडेप्ट कर लेती है उस कंडीशन को, ज्यादा आरबीसी फॉर्म करती है बिकॉज वहां पे ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत कम होता है, ठीक है। अगर आपको भी वो पिंक पिंक चाहिए ना तो ये नहीं वहां पे जाके एक दो हफ्ते रह लिया फिर बोलो यार हमारे तो पिंक हो ही नहीं रहे, अगर आपको भी चाहिए देन यू हैव टू स्पेंड योर 3 months देयर, आपको 3 से 4 महीने वहां पे रहना पड़ेगा, उसके बाद आपकी बॉडी अडेप्ट कर पाएगी और आपको भी वो रोजी रोजी चीक्स मिल जाएगी। Now, why do the plants stem bend towards sunlight? Guys, आपने देखा होगा सपोज अगर यहाँ पे सन है तो हमारा जो प्लांट होता है वो ऐसे बैंड हो जाता है। सो वॉट इज द रीजन बिहाइंड इट, लिसन नाउ। देखो हमारे प्लांट में एक हार्मोन होता है दैट इज नोन एज ऑक्सिन, ओके। ये बेसिकली करवाता है क्या है, इट प्रमोट्स ग्रोथ, ये बेसिकली प्लांट में ग्रोथ करवाता है, ठीक है। आप देखो केस कैसे बनते हैं, सपोज अगर यहाँ पे सन है,
ओके हेयर एंड यहाँ पे अपना प्लांट है. देखो अब क्या हो गई, ऑक्सिन है जो मैं बना रही हूँ, डॉट डॉट डॉटेड स्ट्रक्चर, दिस इज ऑक्सिन. ठीक है, नाउ लिसन, अगर यहाँ पे सन है तो हमारा ऑक्सिन क्या करता है, ग्रोथ को प्रमोट करता है. अगर यहाँ पे सन है तो ऑक्सिन पूरे में इक्वली स्प्रेड हो रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ग्रोथ होगी वो बिल्कुल ऊपर ऊपर होगी, मीन्स ऊपर जाए, इट इज गोइंग टू बैंड दिस साइड नॉट दिस वन. ओके, तो ये कहीं पे भी बैंड नहीं करेगा, इसकी जो ग्रोथ होगी वो स्ट्रेट हो. बट व्हाट हैपेंस आफ्टर सम टाइम, क्या होगा, सन यहाँ पे आ गया, सन ने अपनी पोजीशन चेंज कर दी. अब देखो ऑक्सिन क्या होता है गाइस, जहां पे सनलाइट आती है ना वो उसके ऑपोजिट साइड एक्यूमुलेट होने लगता है. अब देखो पूरा ऑक्सिन इधर पे आ जाएगा, जब सन ऊपर था तब वो पूरा स्प्रेड था हर जगह पे, लेकिन अब अगर सन यहाँ पे आ गया, इफ नाउ सन हैज शिफ्टेड इट्स पोजीशन टू हेयर, नाउ व्हाट इज हैपनिंग, लिसन, ऑक्सिजन क्या होगा यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, इट विल स्टार्ट टू एक्यूमुलेट ऑन द साइड वेयर द सनलाइट इज नॉट, सन नहीं है वो वहां पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा. और आपको पता है जहां पे सन जहां पे ऑक्सिजन एक्यूमुलेट होता है, व्हाट दिस ऑक्सिजन डज, ये यहाँ की ग्रोथ करवा देगा. अब क्या होगा, इस साइड की ग्रोथ होने लगेगी. अब जब इस साइड की ग्रोथ होने लगेगी एंड दिस साइड इज नॉट हैविंग एनी ऑक्सिजन बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ ऑक्सिजन ओनली टू दिस साइड. Why the oxygen has shifted? I have already told you the reason, and that is oxygen accumulate in that portion which is away from the sunlight. अब यहाँ पे क्या होगा, इस वाले साइड की ग्रोथ होने लगेगी और इस वाले साइड की ग्रोथ नहीं होगी. अब जब इसकी ग्रोथ नहीं होगी और इसकी हो जाएगी तो ये ऑफकोर्स क्या होगा, ये ऐसे बैंड हो जाएगा ना. देखो ये पूरा लाइक सपोज ये था पहले, ठीक है, ऐसा था वो क्या प्लांट था, उसकी ग्रोथ कांस्टेंट हो रही थी दोनों साइड पे बिकॉज सन क्या था, ऊपर था. अब क्या है, सन ने उधर शिफ्ट कर लिया है तो हमारा ऑक्सीजन क्या होगा, वो इस वाली साइड पे आ जाएगा. ठीक है, अब जब इस वाली साइड पे ऑक्सीजन आ गया, इट मींस इसकी ग्रोथ ज्यादा होगी और इसकी ग्रोथ थोड़ा कम होगी. क्यों, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है. ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे ये ऐसे बैंड होने लगेगा बिकॉज अगर इस वाली साइड की ग्रोथ ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस साइड, तो इस क्या होगा, ये इस साइड को टिल्ट हो जाएगी ना. तो दिस इज द रीजन व्हाई द प्लांट स्टेम बैंड टुवर्ड्स सनलाइट बिकॉज जो अवे है उसकी ग्रोथ ज्यादा हो रही है. अब इसकी ग्रोथ ज्यादा होगी तो ये ऐसे बैंड हो जाएगा ना, दैट मीन्स वो सनलाइट के तरफ को बैंड हो रहा है ना. सो दिस वॉज द रीजन बिहाइंड दिस थिंग. नाउ गाइज, व्हाट इज द रोल ऑफ कैल्शियम इन आवर बॉडी. यार हमें कैल्शियम का रोल पता है, if you know then many many congrats to you, and if you don't know then yeah I am here to tell you. Listen guys, calcium हमारी body में बहुत सारे काम करता है. एक चीज तो आपने बचपन से ही सुनी होगी, calcium खाओ तुम्हारे दांत strong होंगे. So yeah, what is the first rule? एक no bones and it's strong. Strong so yeah, I see R O N G. Strong. एक तो हमारी बोन्स और टीथ को स्ट्रांग बनाता है, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, हेल्प्स इन मसल कॉन्ट्रैक्शन. गाइस हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, उसमें भी कैल्शियम बहुत यूजफुल होता है. और ब्लड क्लॉटिंग वेयर एवर इट इज रिक्वायर्ड, हमारी ब्लड क्लॉटिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है. लेकिन अगर हमारी बॉडी में कहीं पे भी ब्लड क्लॉटिंग होने लगे तो बहुत ज्यादा डेंजरस बात भी है. ये भी आपको पता होगा बिकॉज अगर हमारा ब्लड चलेगा नहीं तो गाइज हमारे हाथ बिल्कुल ऐसे रुक जाएंगे. एक्सपीरियंस किया है मैंने इसलिए मुझे पता है, बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, तो यार हाथ बिल्कुल ऐसे बिल्कुल चलते ही है. छोड़ो, लेकिन हाँ ब्लड क्लॉटिंग इंपॉर्टेंट भी होती है. बट ये है कि कभी भी ब्लड क्लॉटिंग, जैसे सपोज हमारे यहाँ पे कट गया तो क्या होगा, हमारे यहाँ पे कट गया, अब ब्लड अगर यहाँ पे क्लॉट नहीं होगा, अगर वो यहाँ पे नहीं रुकेगा तो क्या, वो यार वो बाहर ही आता रहेगा ना, इसलिए ब्लड क्लॉटिंग भी जरूरी होती है. लेकिन गाइस इसके पीछे भी एक फैक्टर होता है, लाइक हमारे ब्लड में कब क्लॉटिंग होनी है कब नहीं होनी है. ठीक है,
थोड़ा सा बता दूं, देखो क्या होता है हमारी बॉडी में कुछ प्रेजेंट रहता है, देखो जो ब्लड क्लॉटिंग करवाता है, ठीक है। मैं इतना डिटेल में नहीं जा रही बिकॉज या ऑफकोर्स फिर ऐसा लगेगा कि मैं लेक्चर दे रही हूँ। लिसन, हमारी बॉडी में कुछ प्रेजेंट है, कुछ देखो अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा इसलिए दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दैट कुछ याद कर लूं पड़ा क्या था कुछ थी यहाँ। हमारी बॉडी में कुछ प्रेजेंट होता है, वो क्या ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल होता है। अब देखो क्या होगा, हमारी बॉडी में जैसे वो हमेशा इनएक्टिव स्टेट में रहता है, ठीक है। हमारी बॉडी में वो हमेशा प्रेजेंट है लेकिन इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट है। अगर हमारे यहाँ पे कुछ कट गया क्या होगा, ऑक्सीजन जाएगी अंदर, ऑक्सीजन जाएगी तो क्या होता है वो उससे एक्टिवेट हो जाता है। अब देखो ऑक्सीजन चली गई अंदर, उसको पता चल गया कि या ऑक्सीजन अंदर आ गया, दैट मीन्स अब वो एक्टिवेट हो गया। अब जब वो एक्टिवेट हो गया तो वो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे अपना काम करेगा, इसलिए फिर वो यहां से लाइक ब्लड फ्लो नहीं होगा। लेकिन अगर सिमिलरली वो अगर एक्टिव रहेगा तो यार हमारा ब्लड फ्लो नहीं करेगा, और अगर हमारा ब्लड फ्लो नहीं करेगा ना तो गाइस वी वोंट एबल टू मूव आर हैंड एनीथिंग। अगर हमारा ब्लड रुक गया ना गाइस हम कुछ नहीं, लाइक हमने हाथ नहीं ला सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। सो फोर्थ थिंग इज हेल्प नर्व्स टू सेंड मैसेजेस। देखो हमारी नर्व्स को मैसेजेस सेंड करने में हेल्प करता है। देखो हमारी बॉडी में चैट सिस्टम कैसे वर्क करता है, मींस मैसेजेस कैसे भेजे जाते हैं। सपोज हमने किसी हॉट प्लेट को टच कर लिया तो क्या होगा, वो मैसेज हमारा हैंड हमारे ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड तक देगा, वो मैसेज हमारे हैंड तक लेके आएंगी दैट यार यू हैव टू रिमूव योर हैंड बिकॉज वो बहुत गर्म है। तो जो भी हम कर रहे हैं वो मैसेज कहां, हमारे ब्रेन से लेकर स्पाइनल कॉर्ड से लेकर, ठीक है। ये देखो क्या होता है कि हमारे बॉडी पार्ट्स में ब्रेन कुछ अलग काम करेगा, स्पाइनल कॉर्ड कुछ अलग। बॉडी को कंट्रोल मेनली ब्रेन करता है बट यार स्पाइनल कॉर्ड भी हमारे बॉडी को बहुत हद तक लाइक कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड भी करती है। तो अब ये हमारे बटे हुए हैं कि ब्रेन कौन सा करेगा, स्पाइनल कॉर्ड कौन सा करेगी। तो वही है कि हम जो भी कर रहे हैं सारे मैसेजेस वहां तक जाएंगे, वो वापस वहां से लेकर आएंगे दैट यार यू हैव टू रिएक्ट लाइक दिस और दैट, अब तुम्हें ऐसा रिएक्ट करना है, अब तुम्हें वैसे रिएक्ट करना है। सो ये होता है हमारे बॉडी का चैट सिस्टम कि या वहां तक मैसेजेस आ रहा है फिर वापस आ रहा है, हम वैसे रिएक्ट कर रहे हैं। सो गाइज दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक माई कॉन्सेप्ट then don't forget to tell me in comment box and yeah to subscribe to my channel and hit the bell icon to never miss any update from my side and yeah guys thank you very much, you can also follow me on Instagram, thank you.